हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है बोल स्टडी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का चैप्टर नंबर प्रथम के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो सारे पढ़ेंगे हम। यह वीडियो जो स्टूडेंट पारा मेडिकल के एग्ज़ाम देने वाले हैं या पॉलिटेक्निक का, उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा ये वीडियो, क्योंकि मैं 12th के जितने भी चैप्टर हैं उस सबका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं लाऊँगा। तो आपको इस सीरीज से जुड़ना है, और मैं पैरामेडिकल का बहुत सारे क्वेश्चन मैं करा दिया हूँ। तो अब सोच रहा था कैसा को वीडियो डालूँ, तो अब यही शुरू किया मैं आपका 12th क्लास का। इसे क्या होगा कि 12th क्लास के स्टूडेंट्स का भी हो जाएगा और आप सब के लिए भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं, और अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के पास। चलिए प्रथम क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसमें फ्रेंकल दोष पाया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछता है। फ्रेंकल दोष एक होता है शॉर्टकी दोष, तो अभी डिटेल तो नहीं करूँगा इस दोष के बारे में, ऐसे जान लीजिए इसका। यह दोष पाया जाता है ए जी बी आर में। ए जी सोना का होगा, बी आर ब्रोमाइड, मतलब सिल्वर ब्रोमाइड में फ्रेंकल दोष पाया जाता है। ठीक है, चलिए आइएगा शॉर्टकी दोष। शॉर्टकी दोष होने का कारण है, तब शॉर्टकी दोष होने का क्या कारण है, तो वो होता है ऑप्शन नंबर डी। इसमें पढ़िए, देखिए लैटिस साइड से के टायन तथा एनायन के पेयर की अनुपस्थिति, वो जो होता है आपका अनुपस्थिति इस रूप में होता है, सभी बैठा रहता है चार्ज। तो इसमें क्या होता है कि टायन में धनायन और एनायन की स्थिति जो होता है बदल जाता है, मतलब जो स्थिति है वहाँ से हट जाता है। अब वो हटने से उस तत्व में शॉर्टकी दोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, चलिए तीन नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन अर्ध व्यास अनुपात ऑक्टाहेड्रा संरचना को इंगित करता है। कौन करता है, तो वो करता है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 0.730 यही ऑक्टाहेड्रेट जो है या अर्ध व्यास अनुपात इंगित करता है। चलिए पाँच चार नंबर देखिए, FCC एक जालक में कितने परमाणु होते हैं। FCC का क्या हो गया, फोकस सेंटर्ड क्यूबिक, तो इसमें कितने परमाणु होते हैं ये आपको बताना है। इसमें होता है चार गो, कितना, चार गो होता है परमाणु इंगित आपका फोकस में। फोकस में क्या होता है कि आपका आठ गो घन हुआ, मतलब आठ गो ऐसा हुआ ना, घन बोल रहा हूँ, सतह हर एक कोना पर एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, और एक कोना पर एक गो एटम का 1/8 हिस्सा भाग लेता है। और इस तरह से इसमें कोना कितने हैं, आठ गो, तो कोना पर कितने ए हो जाएंगे, तो 800 गुना करिएगा, मतलब एक कोना पर 1/8 हिस्सा एक परमाणु का, उस तरह का आठ परमाणु, तो कितना हो गया, एक परमाणु हो गया कोना पर। और बीच में जो होता है, बीच में आपका सेंटर दोनों सामने आमने सामने एक हो गया, फिर इसके इसके सामने दो, इसके नीचे एक, ऊपर तीन, मतलब आधा आधा इस साइड आधा इस साइड, जस्ट इसके पीछे आधा, तो ये मिलकर एक हो जाएगा, तो इस तरह का तीन गो है, तो ये मिलकर चार गो हो जाता है FCC में। ठीक है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा, चार का ऑप्शन नंबर डी। इस तरह का ढेर होता है, FCC BCC आगे मिलेगा, अगर SCC ये सब के बारे में क्लियर कर दूंगा। चलिए पांच नंबर देखिए, पांच नंबर में क्या है, CGMCL की क्रिस्टल संरचना क्या है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, BCC होगा। इस तरह के तत्व का भी पूछ देता है कि यह तत्व किस तरह का होगा, अब वो तत्व का आकार के अनुसार बदलता है, इसीलिए पूछ देता है। चलिए छः नंबर, निम्नलिखित में से किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है, तो किसकी 8 होती है, तो होती है पोटासियम का। ठीक है, पोटासियम धातु का समन्वय संख्या 8 होती है। सात नंबर, निम्नलिखित में से कौन आयनिक क्रिस्टल का उदाहरण है, तो आयनिक क्रिस्टल का उदाहरण कौन है, तो वह है Na2SO4 आयनिक क्रिस्टल का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए आंसर। चलिए आठ नंबर, बैंक समीकरण क्या है, ब्रैग समीकरण क्या है, तो वह है ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है, एन डेल्टा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। क्वेश्चन ही पूछ देगा ब्रैग समीकरण कौन सा है निम्नलिखित में से, तो ये मारिएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए 9 नंबर। यदि डेल्टा इज इक्वल टू 5.4 एंगस्ट्रम और थीटा भी दे दिया है, अब एन का संख्या भी, तो डी का मान नहीं निकल जाएगा, इस पर पुट करिएगा आपका डी डी का वैल्यू निकल जाएगा, तब वो आएगा हल करिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर बी 201 एंगस्ट्रम आपको प्राप्त होगा। अगर इसके ऊपर वाला में ही वैल्यू पुट करते जाइएगा आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, इसी को शॉर्ट में BCC बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में लैटिस बिंदुओं की संख्या होती है, तो लैटिस बिंदुओं की संख्या कितनी होती है, तो होती है 2। ठीक है, 2, क्योंकि बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है, एकदम बीच में एगो रह जाता है परमाणु और इसके चारों ओर हो गया। ठीक है, इस तरह से ठीक है, एकदम बीच में एक सुजहक हो गया एटम और इसके कोना पर, अभी अभी मैं बताया था एक इलेक्ट्रॉन रहता है, क्योंकि एक कोना पर एक इलेक्ट्रॉन का मतलब एक परमाणु का 1/8 हिस्सा यूज होता है एक कोना पर, तो इस तरह का 8 को हिस्सा है, तो 8 से गुना करिएगा तो 8 कट जाएगा, एक बचेगा एक बीच में, तो 2 होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में। ठीक है, चलिए 11 नंबर। सिंपल क्यूबिक एकक सेल की संकुलन क्षमता, मतलब सिंपल SCC सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ऐसे होता है, तो उसमें कितने परसेंट का संकुलन क्षमता, मतलब कितना परसेंट उसमें तत्व जो होता है एटम का भाग छेके रहता है, तो ये आपको ज्ञात करना है, तो ई होता है 52%। ठीक है, तो सबका याद कर जाइएगा आपका, जैसे कि SCC का हो गया 52%, इसी तरह BCC का होता है आपका, BCC का 68 होता है, और आपका एक और हो गया FCC का होता है 74.5। ठीक है, तो याद कर जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बारे में देखें, BCC का आया गया, BCC सेल एकक सेल की संकुलन क्षमता होती है, कितनी होती है BCC का, अभी अभी मैं बताया कितना 68% होता है। FCC का भी आ गया, FCC एकल सेल की संकुलन क्षमता कितना होता है, तो होता है 74%, अभी मैं बताया था। चलिए 14 नंबर देखिए, यूनिट सेल के घनत्व का सूत्र होता है, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो यूनिट सेल के घनत्व का सूत्र तो कितना होता है, तो ए होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ठीक है, डी इज इक्वल टू MN/NA³। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 15 नंबर देखिए, यदि किसी क्रिस्टल में R+/R- माने धनात्मक ऋणात्मक इज इक्वल टू इतना दे रखा है, तो सामान्य संख्या होगी, कितनी होगी सामान्य संख्या, तो होगी ऑप्शन नंबर डी 6 सामान्य संख्या होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का, यदि इतना दे रखा है वैल्यू, तो सामान्य संख्या आपको ज्ञात करना है, अब सामान्य संख्या यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, अब ऐसा काहे हो रहा है, तो इसके लिए तो आपको पूरा डिटेल मुझे करना पड़ेगा, तो चलिए हम जब इसका न्यूमेरिकल जब कराएंगे इस चैप्टर का, तो उस समय इस सारे चीज़ को करा दूंगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर, शॉटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व बढ़ता है कि घटता है, क्या होता है घनत्व, अब शॉटकी दोष में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल जाता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो पहले के तुलना में उसका घनत्व कम हो जाएगा, तो मतलब घटता है। ठीक है, घनत्व घटता है शॉटकी दोष में, यही फ्रेंकल दोष में पूछता ठोस का क्या होगा, तो ठोस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि फ्रेंकल दोष में उसी में क्या है, इलेक्ट्रॉन इधर के उधर जाता है, परमाणु इधर के उधर जाता है, तो उसी में ना है, भले बाहर अपने स्थान छोड़ा है लेकिन उसी के अंदर रहता है, तो इसलिए उसमें घनत्व का चेंजिंग नहीं होता, लेकिन शॉटकी दोष में चेंजिंग होता है। चलिए 19 नंबर देखिए, नाइट्रोजन आपको दे रखा है इतना और इतना, तो ये आपका सॉरी NI आपका नाइट्रिक हो गया, तो ये प्रतिशत पूछ रहा है कितना परसेंट है इसमें, तो इसको निकालने के लिए क्या करिएगा, इसका जितना वैल्यू दे रखा है ऑक्सीजन का जितना वैल्यू जोड़िए और नाइट्रोजन का जितना दिया है उसको ऊपर लिखिए, गुने 100 करिए, आपका आंसर आ जाएगा 96.96%। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
NaCl क्रिस्टल में SrCl2 क्रिस्टल बाहर से ढोने पर एक ठोस विलयन प्राप्त होता है, जिसमें Na प्लस के स्थान पर क्या होता है, तो Na प्लस के स्थान पर आपका ऑप्शन नंबर ए होता है, ठीक है, ए होता है, आयन के रूप में टूटता है, ठीक है, तो Cl माइनस के रूप में टूटेगा Sr2+ के, क्योंकि देखिए Cl दो गो है, तो यहाँ दो लगा दीजिए, दो गो हो गया, अब इसका भी दो गो माइनस हो गया, इधर भी प्लस टू हो गया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो, तो इस तरह से होगा, ये दो गो इसके पास एक्स्ट्रा होता है दे देता है, आ क्लोरीन को एक गो चाहिए होता है, तो दो गो क्लोरीन आता है एक गो ले लेता है, तो ये आयन के रूप में इस तरह से होता है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा 20 का, ठीक है। चलिए 21 नंबर, यदि बैड गैंग इतना दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक होगा तो माने इलेक्ट्रॉन के द्वारा आयतन हो तो वह क्या होगा, मतलब वो विद्युत का सुचालक होगा या कुचालक होगा, तो वो होगा आपका अर्धचालक, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अर्धचालक होगा, जब बैड गैंग इसका गैप कितना होगा, जब गैप इलेक्ट्रॉन के बीच का गैप 0.7 ई वॉल्यूम माने आयतन अगर होगा तो वो अर्धचालक होगा, ठीक है। चलिए 22 नंबर देखिए, जीई अर्धचालक के साथ उपस्थित आर्सेनिक, देखिए यह आर्सेनिक है और ये जी जर्मेनियम है, के उपस्थिति में क्या होता है, अर्धचालक के साथ उपस्थित आर्सेनिक क्या होता है, तो वो होता है आपका अवकारक होता है, अवकारक होता है मतलब उसे निकाल देता है वहाँ से, ठीक है, अवकारक। चलिए अवकारक में क्या होता है, हाइड्रोजन जुटता है और ऑक्सीजन निकलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 23 नंबर क्या कह रहा है, एक बार मैग्नेट आपका म्यू बी बराबर होता है, कितना होता है इसका वैल्यू फिक्स होता है, आपको रटना है, तो ये होता है आपका 9.9.27 × 10^24 Am² ये हज़ार में ले जाना होगा इसको, सॉरी सेंटीमीटर में, तो आपको 100 से गुना करना पड़ेगा, तो ये चेंजिंग हो जाएगा, तो इतना होता है ये ध्यान रखिएगा। चलिए 24 नंबर में, C6H6 कैसा पदार्थ है, मतलब चुंबकीय अनुचुंबकीय कैसा है, तो ये है आपका प्रति चुंबकीय है, ठीक है, प्रति चुंबकीय है, ऑप्शन नंबर सी आंसर, तो इसको ध्यान रखिएगा, C6H6 कैसा होता है, तो प्रति चुंबकीय। चलिए सोडियम क्लोराइड का जालक है, तो सोडियम क्लोराइड का जालक कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अष्टफलकीय होता है, सोडियम क्लोराइड का जालक अष्टफलकीय होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 26 नंबर आपका, एक चतुष्फलक जालक में अर्धव्यास अनुपात आपका इस रूप में है का मान होता है, तो कितना होता है इसका मान, तो इसका मान होता है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 0.225 से 0.414 तक, ठीक है। अब आपको पता है इतना रहता है तो सामान्य संख्या 2, और जब इतना रहता है वैल्यू इसका तो कितना होता है 6, ठीक है, ये पहले बता चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन ऑक्साइड का ठोस जालक रोधक है, तो कौन ठोस जालक रोधक है, तो वह CaO, ये कोबाल्ट हुआ, ये ऑक्सीजन हुआ, ठीक, कोबाल्ट ऑक्साइड, ये हुआ आपका ऑक्साइड का ठोस जालक रोधक है, ठीक है। चलिए 28 नंबर देखिए, ट्रांजिस्टर सेटो के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व, तो ट्रांजिस्टर सेट के निर्माण में कौन से तत्व का प्रयोग होता है, तो होता है SiO सिलिकॉन का, ठीक है, सिलिकॉन तत्व का प्रयोग होता है ट्रांजिस्टर बनाने में, ठीक है, सिलिकॉन बनाने में आपका ये जो सोलर होता है उसमें भी होता है, चिप्स बनाना होता है जो मेमोरी बोलते हैं आप, उसको भी सिलिकॉन बनाने में प्रयोग होता है, ठीक है, मान चिप्स बनाने में सिलिकॉन का प्रयोग होता है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कई एग्जामों में, ठीक है। चलिए 29 नंबर, हीरे का क्रिस्टल उदाहरण है, तो हीरे का क्रिस्टल उदाहरण है, तो वो है ससंयोजक जालक का, ससंयोजक जालक का है हीरे का क्रिस्टल जालक। अब हीरा में जो चमक होता है वो कैसे होता है, तो वो होता है पूर्ण प्रकाश के पूर्ण परावर्तन के
के कारण, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ज़्यादा चमकता है। ये क्वेश्चन भी होगा इसमें, चतुष्फल के हीरा क्या है, कार्बन का अपरूप है। चलिए 30 नंबर देखिए, NaCl ठोस जालक में प्रत्येक Na प्लस आयन कुल कितने Cl माइनस से घिरे रहता है, तो कितने Cl से घिरे रहता है, तो रहता है 6 गो Cl से घिरा रहता है, ठीक है, ठोस जालक में। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। चलिए 31 नंबर, जालक में AB व्यवस्था दर्शाती है, कौन दर्शाती है AB व्यवस्था, तो वो दर्शाती है HCP, आपका ये होता है षष्ठ कोणीय क्यूबिक पोटेंशियल, ठीक है। इसका टोटल नाम होता है हेट्रोजनी, अभी ध्यान नहीं आ रहा है, इतना ध्यान रखिएगा इसमें का क्या होता है कि इस तरह से आपका इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है, और इसमें ज्वाइंट रहता है, इसके नीचे 3 ठो होता है, ठीक है, एक दूसरे से, ऊपर भी 3 ठो होता है, तो ऊपर ऊपर वाला को AA बोल दिया जाता है और बीच वाला को B, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है AB, ठीक है, तो ये HCP है, ठीक है, HCP जालक है। चलिए 33 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विषम द्वैता दर्शाएगा, माने अलग अलग गुण दर्शाएगा, विषम द्वैता, तो वो दर्शाता है BCl2, ठीक है, BCl2 विषम द्वैता दर्शाता है। चलिए 33 नंबर, क्रिस्टल में विद्युत चालकता उत्पन्न करने हेतु अशुद्धियाँ मिलाने की क्रिया कहलाती है, तो क्या कहलाती है, तो कहलाती है डोपिंग कहलाती है, ठीक है, डोपिंग कहलाती है, ठीक है। चलिए तो ये रहा क्वेश्चंस फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे बन गया, बता दिया हूँ। इसके अलावा और सारे भी क्वेश्चन नहीं देख सकते, ये MP बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तो नया है तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाए, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अच्छा लगा है तो लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू।